आज के युग में मतलब
आपसी दुआ का भी अपने सामने तिलावत की। उनकी मुनासिबत से भी हमने जिक्र किया
सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल मुबारक। दस रोज़े को हमने आपके बड़े जिक्र किया, कल 21 माह रोज़ा सय्यदा हज़रत अली मुर्तज़ा शरीफ़ुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रज़ियल्लाहु अन्हु आप यौम शहादत अल्लाह के रहमत करीम में हम अहले सुन्नत व जमात पर जितना करम फरमाया, जितनी मेहरबानी है, इतनी किसी और पर मेहरबानी नहीं। वो इस मुलाकात से अली मुर्तज़ा शरीफ़ुल्लाह लेकिन उनका जिक्र, उनके साथ वालिदा मोहब्बत, उनके साथ वालिदा ने अकीदत, उनका जो तरीका का अल्लाह तआला ने अहले सुन्नत वल जमात के मुकद्दर के अंदर फरमाया, वो दूसरों के हिस्से के अंदर है। हम यौम सिद्दीक अकबर के मौके पर शान सिद्दीक अकबर को भी बयान करते हैं, साथ साथ ही हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली की शान को भी बयान करते हैं। यौम उमर फारूक को, हजरत उमर फारूक की अदालत को भी बयान करते हैं, और उसी मौके पर हजरत उमर सिद्दीक, हजरत उस्मान, हजरत अली का भी जिक्र करते हैं, और हजरत इस्मीन उस्मान अली के जहाँ उनकी फजीलत को बयान करते हैं, वहाँ पर इन तीनों की भी फजीलत को बयान करते हैं। और जब हजरत अली मुर्तज़ा शेरुल्लाह का मौका आया, इनका यौम शहादत हो या जिक्र अली हो, तो इनका जिक्र भी हजरत अबूबकर सिद्दीक और उमर उस्मान अली रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के साथ करते हैं। अहले सुन्नत व जमात अल्लाह का फ़ज़्ल ही है कि हम अली मुर्तज़ा से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत उस्मान अली से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत उमर फारूक से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत अबूबकर सिद्दीक से मोहब्बत करते हैं। और ऐसी मोहब्बत जैसे कि अल्लाह रब्बुल की ज़हनी हयात में उन नफूस कुदसिय की आपस के मबैन मोहब्बत रखी थी, वैसी मोहब्बत का तरीका था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। वरना तो इस मोहब्बत की बात करके मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को विसाल मुबारक हो। विसाल मुबारक के वक़्त अगर हजरत अबूबकर सिद्दीक किसी को वसीयत फरमा रहे हैं कि मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, तजवीज़ और तकफ़ीन का अहतमाम करना, रोज़े को सुरूर पर ले जाना, वो सामने कौन थे? हजरत अली मुर्तज़ा शरीफ़ुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अली मुर्तज़ा शरीफ़ुल्लाह का जब निकाह का मामला आया, हजरत अली मुर्तज़ा का निकाह का मामला आया, उस वक़्त एक बात के अंदर हजरत अबूबकर सिद्दीक भी मौजूद थे, उमर भी मौजूद थे, उस्मान गनी भी मौजूद थे, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। जब वो तीनों मौजूद थे, उन तीनों यारों ने मिलकर हजरत अली मुर्तज़ा को ये मशवरा दिया, ऐ अली मुर्तज़ा, फ़ातिमतुज़्ज़हरा के अक्द निकाह के पैगाम के लिए बड़े बड़े घरानों से, आला आला घराना से ये पैगाम पहुँचे, लेकिन सरकार ने मना फरमा दिया, हजरत फ़ातिमतुज़्ज़हरा का निकाह नहीं हुआ। हम तीनों आपको मशवरा देते हैं, आप ऐसा करो तो ये पैगाम तो नबी अलैहिस्सलाम के पास देगा, ये अगर उनके मोहब्बत नहीं होती तो हजरत अबूबकर सिद्दीक, उमर और हजरत उस्मान ये मशवरा दे। तो ये मशवरा किस मौके पर दिया जाता है? जिसे अच्छा मशवरा, जिसे अच्छी मोहब्बत उसको दिया जाता है। तो इन सहाबे कराम के हजरत अली मुर्तज़ा से मोहब्बत, हजरत अली मुर्तज़ा
ना तो मेरे पास वो अल्फाज हैं जिनका मैं चुनाव कर सकूँ, ना मेरे पास वो घर है, ना मेरे पास वो खर्चा है, कुछ भी नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उमर फारूक ने, हजरत उस्मान गनी ने वो अल्फाज सिखाए कि सरकार के पास तुम जाकर ये बात बोल रही है। अब हजरत अली फरमाते हैं मैंने इन तीनों से अल्फाज सीखे। हिम्मत करते करते नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह मुकद्दस के अंदर पहुँचा। हिम्मत करते करते जाकर ये अल्फाज बोलो, लेकिन हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं सरकार के पास पहुँचा, सरकार ने मुझसे पूछा अली क्या कहना चाहते हो, तो हजरत अली फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का रूह दबदबा ऐसा था मैं सब कुछ भूल गया, मेरे अंदर हिम्मत ना हुई, ताकत ना हुई कि मैं सरकार से बोल कैसे, मैं चुप हो गया, खामोश हो गया। सरकार ने तुम पूछा अली बताओ कुछ कहना चाहते हो, आप फरमाते मैं फिर खामोश हो गया, मैं क्या बोलूँ सरकार। नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा पूछा ऐ अली तुम पूछना चाहते हो, या सलाम पूछना तो चाहता हूँ लेकिन मैं क्या पूछूं सरकार, आप खुद भी तो जानते हैं कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछूं आप भी तो जानते हैं आपसे सलाम करो। तो सरकार ने फरमाया ऐ अली जो तू पूछना चाहता है मैं भी जानता हूँ, और तुम्हें मुबारक हो अल्लाह रब्बुल्लत ने अर्श परी पर तुम्हारा फातिमा का निकाह कर दिया। ये निकाह अल्लाह रब्बुल्लत ने फरमाया है फरिश्तों के झुकमट में, फरमाया ये मुझे हुक्म दिया है कि तुम ज़मीन पर निकाह करा दो, और मुझे हुक्म है अल्लाह रब्बुल्लत ने हुक्म कर दिया कि मैंने फातिमा गुज़ारा और अली गुज़ारा का निकाह कर दिया है। ये बात अलग है, मैं बताना ये चाहता था अबू बकर सिद्दीक उमर उस्मान अगर मोहब्बत ना होती अली मुर्तज़ा से तो ऐसा प्यार मुझसे कौन देता। इनका माना यह था एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अली मुर्तज़ा को देखा, उनके चेहरे को देखा, मुस्कुराने लगे, खुश हो गए, और हजरत अली मुर्तज़ा ने वजह तबस्सुम को पूछा आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अय अली मुझे सरकार का एक फरमान याद आ गया, मैं उस फरमान पर खुश हो रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। पूछा वो कौन सा फरमान है, फरमाया सरकार ने फरमाया अली मुर्तज़ा जन्नत के दरवाजे पर बैठेंगे और जिसे चाहेंगे जन्नत का टिकट अदा कर देंगे। अली मुर्तज़ा के हाथ में होगा। ये बात को सुनकर हजरत अली मुर्तज़ा मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर तुमने आधी बात की है, आधी बात को तुमने छोड़ दिया है, बात मुकम्मल ये नहीं है, बात मुकम्मल ये है। सरकार ने फरमाया अली मुर्तज़ा जन्नत के दरवाजे पर बैठेंगे और जिसे चाहेंगे जन्नत का टिकट देंगे, लेकिन फरमाया अली उसको जन्नत का टिकट देंगे जिसके सीने में अबू बकर सिद्दीक मोहब्बत हो। हजरत अली मुर्तज़ा किसको टिकट देंगे, जिसके सीने में अली हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत मौजूद होगी। तो इन सहाबा किराम का आपस में प्यार देखे, उनके आपस में मोहब्बत देखे, आपस में अदब इहतराम देखे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखे। जब ये मशहूर हदीस रिवायत में आता है ये आपस में बाहमी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, जब हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन ने से किसी शहजाद ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को कह दिया अय हमारे गुलाम के बेटे, उस वक्त हजरत उमर फारूक अमीर मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और फिर आपको पता है अमीर मोमिनीन का शहजादा हो, और उसको नवाज़े रसूल ने कह दिया अय हमारे गुलाम के बेटे इधर आओ। वो बतकादे बशरिया बच्चे थे, उनको जलाल आया, जहनी तौर पर नाराज हो, जाकर मैं अपने अब्बा जान से शिकायत करूँगा, मुझे कहते हैं मेरे गुलाम के बेटे, मैं अमीर उल मोमिनीन का बेटा हूँ, मैं शहजादा हूँ। हजरत उमर फारूक से जाकर शिकायत की अब्बा जान आज हसनैन करीमैन में से शहजादों ने मुझे ये कहा आज हमारे गुलाम के बेटे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला क्या ये शी कहा है उन्होंने, तुम्हें सही माने में याद है, सुना है तुमने, तहकीक कर ली। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाते हैं जब अब्बा जान तहकीक कर रहे थे मैं बड़ा खुश हो रहा था कि इसका मतलब कि आज उनको ज़रूर कोई ना कोई लगनश होगी, सलामी लेगी, अब्बा जान आज उनको डांटेंगे, इसलिए जब बार बार पूछ रहे हैं मुझे कहा क्या ये कर सकते हो, उनके पास जाओ, उनसे कहो जो कुछ तुमने कहा है
ये रिटा मिल या लिख के दे सकते हो, कागज में तहरीर तौर पर दे सकते हो। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर खुश होकर गए कि आज लिख कर दे देंगे, क्योंकि वो अहले घराना है, सादात है, जो बात करते हैं वो करते नहीं हैं, तो ये तो लिख कर दे देंगे। अब जब वहाँ पहुँचने के बाद पूछा, अब बताओ शहजादो तुमने मुझे क्या कहा? उन्हें क्या कहा? यही कहा ना कि हमारे गुलाम के बेटे। उन्होंने कहा अच्छा, हम तुम्हारे गुलाम के बेटे, तो ये लिख के दे दो। उन्होंने कहा लिख के दे देंगे। उन्होंने लिख के दे दिया है हमारे गुलाम के बेटे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मैं जाते हुए बड़ा खुश हो रहा था कि अब मैं पहुँच चुका ना, तो अब इनको अब्बा जान डांटेंगे, नाराज होंगे, तो इनको लग पता जाएगा। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला शहजादों के हाथ का लिखा हुआ लेटर देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ है ऐ अब्दुल्ला ऐ हमारे गुलाम के बेटे। तो हजरत उमर फारूक ने उस कागज के टुकड़े को चूमा, आंखों पे लगाया, माथे पे लगाया, फरमाया ऐ मेरे बेटे ये बात मेरी वसीयत के अंदर शामिल कर ले, इसको संभाल के रख ले, जिस वक़्त मेरी मौत आए मेरी मैयत के साथ इस कागज के टुकड़े को भी रख देना, इसलिए कि अगर मुझसे पूछा जाएगा ऐ उमर तुम क्या करके लाए हो, क्या बना के लाए हो, तुम्हारी इबादत क्या है, रियाजत क्या है, बंदगी क्या है, जुहद क्या है। हजरत उमर फारूक जैसा जलील कदर सहाबी जिनकी जुबान का कुरान बोलता हूँ, वो ये कहते हैं कि मुझे अपने अमाल में से किसी पर भरोसा नहीं है, अगर क्यामत के दिन मुझे नाज होगा, मुझे फख्र होगा, वो इस बात पर होगा, मैं अल्लाह की बारगाह में ये पेश करूँगा ऐ अल्लाह और तो कुछ नहीं लाया, लेकिन मैं एक सनद लेकर आया हूँ मुस्तफ़ा के शहजादों का गुलाम बनकर, दुनिया से शहजादों का गुलाम बनकर आया हूँ। अब ये बताएं ये हजरत उमर फारूक की ये अदावत है या मोहब्बत है हजरत अली मुर्तज़ा की औलाद के साथ, शहजादों के साथ? तो आज 1400 साल बाद लोग हजरत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत को, उनके मकाम को बयान करते हैं तो इस अंदाज में कि हजरत अली मुर्तज़ा का मकाम तो बराबर बड़ा है, और अगर शैकैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया जाए, हजरत उस्मान गनी का नाम लिया जाए, हजरत उमर फारूक का नाम लिया जाए, तो चेहरे पर बिगाड़ पैदा हो जाता है, निफाक की यह अलामत है। तो अहले सुन्नत व जमात पर मैंने इसलिए कहा रब्बी ज़ुल्जलाल का फजल अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सीनों के अंदर अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को भी रख दिया, उमर की मोहब्बत को भी रख दिया, उस्मान गनी की मोहब्बत को रख दिया, अली मुर्तज़ा शेरे खुदा की मोहब्बत को भी रख दिया। हम इन चारों का जब भी जिक्र करते हैं ऐसा नहीं करते एक को जिक्र करके दूसरे को डिग्रेड किया जाए या गिराया जाए, हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको बड़ा और बड़ा बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाद जुज़्वी फजीलतें, कुल्ली की बात नहीं है, बाद जुज़्वी फजीलतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली मुर्तज़ा को अता की हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में भी नहीं आई, हजरत उमर के हिस्से में भी नहीं आई, हजरत उस्मान के हिस्से में नहीं आई, और बाद जुज़्वी फजीलतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उस्मान गनी को अता की हैं जो बाकी तीनों के हिस्से में नहीं आई, और बाद जुज़्वी फजीलतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर फारूक को अता की हैं जो बाकी तीनों के हिस्से में नहीं आई, और बाद फजीलतें ऐसी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई हैं वो बाकी तीनों के हिस्से में नहीं आई, लेकिन बिल जुमला सबसे ज्यादा मकाम अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को अता फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा बिला फसल है। ये हकीकत के अंदर हक चार यार है, इन दावत के अंदर याराना जो कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, और अकवाल सहाबा से भी साबित है, लेकिन आज 1400 साल बाद इस पुरफितन दौर के अंदर हजरत अली मुर्तज़ा के मकाम को कुछ इस अंदाज के अंदर लोगों के जहनों के अंदर बिठाया गया कि इनके आपस में बड़ी मुनाफरत थी, माज़ल्ला सुम माज़ल्ला, वो लोग हसद करते थे। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार का आना बता रहा हूँ, यानी वहाँ पर कुछ लोगों को मैंने देखा अपनी आंखों से, और बाकायदा वहाँ पर मैंने पूछा, कुछ लोग यहाँ से मदीनत रसूल की मोहब्बत में जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, लेकिन वहाँ नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार की ज़ियारत नहीं करते, मज़ार के दूर खड़े होकर गुंबद खज़रा को देख लेते हैं,
नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार पर नहीं जाते, और जाते सिर्फ इस वजह से नहीं है कि साथ उमर भी मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है, सिर्फ इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाजिर नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें इनसे डर लगती है, ये तो दुनिया में भी हमारे साथ थे, आखिरत में भी हमारे साथ है, और ये ता क़यामत ये मेरे क़ुर्ब में रहेंगे, जो इनकी वजह से मुझे मेरे मज़ार पर नहीं आता तो ना आए, इसलिए कि मंज़ार कब्री वजबत शफाअती सकार ने फरमाया जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली वो यकीन उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दूर ही रखा है कि तुम दूर हो जाओ, इसलिए कि तुम करीब आओगे शफाअत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दूर रखा है, वो दूर खड़े होकर एक जमात है एक टोला, वो खड़े होकर दूर से सलाम भी पड़ेगा और नमाजें भी पढ़ेगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की एक झलक देखने के लिए जहाँ दुनिया तरसती है कि बार बार मौका मिले बाबू सलाम से हम हाजिर रहें, बार बार उनके मकाम की ज्यारत होती रहे, तो उस मकाम पर नहीं जाते। जिन्होंने देखा वो मेरी बात की तईद करेंगे, बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत को मकाम देखना नसीब फरमाए। तो शान हजरत अली मुर्तज़ा 21वीं रमज़ान को आपकी शहादत मुबारक है। और कौन अली मुर्तज़ा जिनके बारे में आपकी वालदा हजरत फातिमा बिन्त असद आप हमद से हैं, तवाफ़ फरमा रही हैं, तवाफ़ फरमा रही हैं, दौरान तवाफ़ चार चक्कर अभी काटे, चार चक्कर में दर्द ज़हन शुरू हुआ, अचानक परेशान हो गए कि अचानक ये मामला हुआ कि अब मैं घर कैसे पहुंच पाऊंगी। हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं मेरे कानों में गैर से आवाज़ आई, ऐ फातिमा बिन्त असद तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, काबा से दरवाजे की तरफ देखो। आप फरमाती मैंने देखा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, और उसकी दरवाज़ खुद ब खुद उसका मकाम और हिस्सा जगह मिल गई। हजरत फातिमा बिन्त असद खाना काबा के अंदर गई और अली मुर्तज़ा शेर खुदा की विलादत ऐन खाना काबा के अंदर हुई। आपको पता है, अच्छा ये भी आप जानते हैं मसला, अगर बच्चे की विलादत हो तो औरत ना पाक होती है, ये आप मसला जानते हैं, और उस मकाम पर उस वक्त उन अयाम के अंदर 40 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ती, मखसूस अयाम है और वो नापाक है, वो नमाज नहीं पढ़ती, इबादत नहीं करती, हत्ता कि ऐसे मौके पर खाना काबा को देखना इबादत है, लेकिन वो औरत नहीं देख सकती कि वो नापाक है, वो औरत ना देखे वो तवाफ़ ना करे, तो औरत को तवाफ़ करने से मना कर दिया गया, औरत को देखने से मना कर दिया गया। और अलीयुल मुर्तज़ा वो है कि जिनकी विलादत ही खुद खाना काबा के अंदर होती है, उसकी वजह क्या है, फरमाया खाना काबा भी पाक है और ये घराना भी पाक है, वो बैतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर है, ये अहले बैत हैं, ये घराने वाले हैं। अगर घर के अंदर जब घर वाला आता है ना तो घर की इज्जत अफजाई होती है, रौनक हो जाती है। फरमाया तुम्हारा तो घराना है, तुम तो घर वाले हो। तो हजरत अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा की विलादत ही खाने काबा के अंदर हुई। मुकद्दर में लिखा था अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो घर में हो सकती, किसी मकाम पर हो सकती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये मंजूर था कि अलीयुल मुर्तज़ा की विलादत हो तो ऐन खाना काबा के अंदर हो, तो ऐन खाना काबा की। अब आपको पता है खाना काबा की कितनी बड़ी फजीलत है, खाना काबा के फजीलत के मतलब आप जानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐन हरम के अंदर खड़े होकर एक नमाज पढ़े तो 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है, 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। कोई भी नेकी करे 1,00,000 नेकी का सवाब है, लेकिन उसके बावजूद मैं पूछना ये चाहता हूँ, मुझे ये बताओ अलीयुल मुर्तज़ा की पैदाइश होती है तो हजरत अलीयुल मुर्तज़ा का मकाम ज़्यादा है या खाना काबा का मकाम ज़्यादा है? अब आप ही बताएं, अलीयुल मुर्तज़ा उनकी फजीलत ज़्यादा है या खाना काबा की फजीलत ज़्यादा है? कुर्बान जाइए, नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा तवाफ़ फरमा रहे थे, दौरान तवाफ़ खाना काबा की तरफ मुँह करके तवज्जो करके रुक गए। सरकार ने फरमाया कि ऐ खाना काबा मुझे मेरे रब का हुक्म है, मैं तेरा तवाफ़ करता हूँ, रब का हुक्म है। लेकिन जहाँ तक इज्जत और एहतराम की बात है, मकाम की बात है, लहुर्मतुल मुमिन अअज़म इंदल्लाह हुर्मतम मिनका, सरकार ने फरमाया कि ऐ खाना काबा एक मोमिन कामिल मोमिन कामिल मोमिन की शान यह है कि ऐ खाना काबा वो तुझसे भी अफजल वाला है,
एक कामिल मोमिन सरकार का फरमान है हुर्मतुल मोमिन आदम इंदल्लाह हुर्मतम मिनका, अल्लाह के नजदीक जो कामिल ईमान वाला है उसका मकाम कहीं तो उससे भी ज्यादा है। जब एक कामिल ईमान वाला उसका मकाम खाना काबा से ज्यादा है तो अली मुर्तज़ा खाली कामिल ईमान वाले नहीं थे, वो तो वलियों के भी सरदार हैं, शहंशाह विलायत हैं, विलायत इनके कदमों से फूटती है। तो हजरत अली मुर्तज़ा का जो मकाम था वो खुद हजरत खाना काबा से भी अफ़ज़ल आ रहा था। इस वजह से खाना काबा वो हजरत अली मुर्तज़ा का दीदार करता। और ये भी आपको पता है, आप जानते हैं खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खाना काबा के अंदर पैदा हुए, इनकी तकरीब क्या है, इनको इज्जत क्या मिला, ये भी मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्जत क्या है। इज्जत ये मिला, फरमाया खाना काबा की हुदूद के अंदर मताफ के अंदर कोई बंदा बावजूद होकर बैठ जाए, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, कोई अमल नहीं कर रहा, तस्बीह तहलील भी नहीं कर रहा, चुप करके बैठा हुआ है, सिर्फ खाना काबा को देख रहा है, क्या काम कर रहा है, खाना काबा को देख रहा है। फरमाया अन्नज़रु इलल काबति इबादतुन, सरकार ने फरमाया काबा की तरफ देखना भी इबादत है, काबा की तरफ देखना भी इबादत है, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। फरमाया काबा की तरफ देखना भी इबादत है, लेकिन जो काबा में पैदा हुआ है, सरकार ने फरमाया अन्नज़रु इला वजहि अलीय्यिन इबादतुन, काबा की तरफ देखना भी इबादत है, अलीयुल मुर्तज़ा के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत का दर्शन है। ये मैं नहीं कह रहा ना, सरकार तो आलम सल्लम का फरमान है कि खाना काबा की तरफ ये देखना भी इबादत है, और उस तरफ इस खुद हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप उनका चेहरा देखना ये भी इबादत के अंदर शामिल है। वो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा जब पैदा हुए तो आँख नहीं खुल रही थी, आँख नहीं खुल रही, हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है मैं परेशान हो गई, आँखें बंद हैं, बच्चा है जब पैदा होता है आँखें खोलता है, हरकत करता है, आँखें बंद हैं, यहाँ तक कि उनके जहन के अंदर ये तवाहम पैदा हुआ कि शायद मेरा बेटा नबीना पैदा हुआ है, ये तो आंखें नहीं हैं इनकी, बड़ी परेशान हुई, बड़ी परेशान हुई। जब तीन दिन के बाद खाना काबा से बाहर गए, तीन दिन के बाद नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँची, अब ये देखें कितनी प्यारी बात है, हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, हमारी एक ख्वाहिश होती है हर इंसान की कि घराने में से जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नेक हो, दीनदार हो, पहली घुट्टी वो लगा दे बच्चे को, कोशिश करते हैं कि बाहर से अगर कोई आदमी हो नेक और मुत्तकी परहेजगार, इसलिए उस घुट्टी का भी बड़ा असर होता है। अब हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा आपको घुट्टी किसने लगाई, सारी दुनिया जानती है, हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गई बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये मेरा बेटा, मेरा शहजादा, मुझे यूँ महसूस होता है कि ये नबीना पैदा हुआ है, मैं परेशान हो गई। सरकार ने फरमाया कि नहीं, ये नबीना नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वजह यह है कि अली मुर्तज़ा की ये ख्वाहिश है मेरी पहली आँख खुले, पहली नज़र पड़े तो रुख मुस्तफ़ा के ऊपर पड़े, पहली नज़र में देखना चाहता हूँ, मैं दुनिया में आँख खोलूँ, किसी की आँख घराने में, किसी की बाजार में, किसी की जंगल में, किसी की जिहालत में, किसी की कहाँ, लेकिन फरमाया हजरत अली मुर्तज़ा वो हैं, उनकी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि मेरी आँख खुले तो पहला अगर दीदार हो तो सामने रुख मुस्तफ़ा हो, नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हो। इस वजह नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दीदार भी कराया और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लुहाबे दान से घुट्टी भी लगाई, तो सबसे पहली घुट्टी जो है वो हजरत अली मुर्तज़ा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई। पूरी तरबियत इब्तदा से लेकर इंतहा तक हजरत अली मुर्तज़ा की तरबियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान नेक हो, मुत्तकी हो,
परहेजगार हो और अपनी औलाद की, अपने शागिर्दों की, अपने महताज की अगर तरबियत करता है, अगर उसकी तरबियत अच्छी होती है, उसका नतीजा, उसका असर किसकी तरफ जाता है? तरबियत करने वाले की तरफ। यार ये क्या है माशाल्लाह, इनकी तरबियत करने वाले जो अच्छे हैं, तरबियत करने वाले अच्छे, इनकी तरबियत का असर है। तो जहाँ एक आदमी अच्छा मुरब्बी हो, तरबियत करने वाला हो, उसकी तरबियत का असर ही होता है। यहाँ तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो सराफा तरबियत फरमाने वाले हैं। वो नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो घुट्टी अदा कर दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अली अल मुर्तजा को वो इल्म अता फरमाया, वो तक्वा अता फरमाया, वो तहारत अता फरमा दी, सारी दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाती हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताकत एक बार। यही बोल हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा है, जंगे खैबर के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया आज आराम करो, बस सुबह मैं अलम झंडा ऐसे बंदे के हाथ में दूंगा जिसके हाथ के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा, फतह तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। उस मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर एक ख्याल पैदा हुआ, लगता है सरकार मेरी तरफ इशारा फरमा रहे हैं। आप मौजूद थे, यहाँ तक हजरत उमर फ़ारूक की बात नहीं है बल्कि ये सबकी बात है, सबकी बात ही है, हर एक के दिल में ये ख्वाहिश थी शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुझे अता फरमा देंगे, ये मुझे झंडा मिलेगा। हजरत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि इस खुशी के मारे मुझे सारी रात नींद नहीं है कि सुबह झंडा मुझे मिलने वाला, तमन्ना करते थे, अच्छी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी। अब उस मौके पर हजरत अली मुर्तजा मौजूद नहीं थे, आप घर में मौजूद थे, आपकी आंखों में तकलीफ थी, अशोक था, आप घर में मौजूद हैं, उस मौके पर मौजूद नहीं है, तो जहन में आया कि हजरत अली मुर्तजा तो है नहीं, चलो उनकी तरफ जहन जाता, वो तो आराम है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अब एक बात है, ये एक होता है तजस्सुस, तजस्सुस होता है, तजस्सुस क्या होता है, आप किसी आदमी से कह दें एक बात है मैं तुझे फिर बताऊँगा, है कुछ भी नहीं, बात कुछ भी नहीं, खाली ये कहकर छोड़ दो, एक बात है तुझे मैं बता नहीं बताऊंगा, वो बंदा कहेगा दुनिया के सारे काम छोड़, पहले कोई बात तो बता बात कौन सी है, क्यों उसने तजस्सुस में डाल दिया, यार ये क्या बात है, क्या होने वाला है, मेरे मुतल्लिक किसी ने कोई बात कही है, मुझे ये बात बता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु काम फरमाते हैं जब सरकार ने फरमाया ना सुबह मैं उस बंदे को झंडा दूंगा खैबर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी अता फरमाएगा, फरमा रहे सबके ज़हन के अंदर तजस्सुस हुआ, इतना हुआ इतना हुआ, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मैं सरकार के कान में ऐसा ऐसा बोलने लगा, सरकार मुझे तो बता दें कि वो बंदा कौन है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह मुझे ऐसा से बता दें, राजदारी से बता दें, मुझे ये बता दें वो बंदा कौन है जिसके हाथ में सुबह आप झंडा देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं वो बंदा तो नहीं बताता, कुछ निशानी बता देता हूँ, निशानी बता दो उसको अंदाज़ा लगा दो यार रसूलल्लाह वो कौन सा बंदा है। सरकार ने फरमाया वो बंदा ऐसा है कि अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है। यार रसूलल्लाह ये निशानी तो है, ये तो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, ये कोई ख़ास ऐसी निशानी तो हर सहाबी के अंदर पाई जाती है। यार रसूलल्लाह ये निशानी है, थोड़ी सी निशानी को बढ़ा दें। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दूसरी निशानी ये है अल्लाह भी उस बंदे से मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह भी उस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल से तो सारी दुनिया मोहब्बत करती है, है नहीं, अल्लाह और उसके रसूल से सारी दुनिया मोहब्बत करती है और अल्लाह और उसके रसूल भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया, कम होने की वजह तजस्सुस और बढ़ गया। भाई सारे सहाबा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, कौन से ऐसे सहाबे जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत ना करते, सारे करने वाले, लेकिन अब वो बंदा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है रसूलुल्लाह भी मोहब्बत करते हैं, तजस्सुस और बढ़ गया। सुबह हुई सरकार दो आलम नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली अल मुर्तजा कहाँ हैं? अर्ज़ किया रसूलल्लाह उनकी आंखों में तकलीफ है, वो तो घर में आराम कर रहे हैं। सरकार दो आलम नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली अल मुर्तजा को बुलाओ, उसको पकड़ के ले आओ। हजरत अली अल मुर्तजा को यानी आंखों में तकलीफ होने की वजह से सहारा देकर लाया गया, जब उस मौके पर पहुंचे फरमाया अली ये झंडा तुम अपने हाथ में रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी तुम्हारे हाथों से मुकद्दर फरमा दी। या रसूलल्लाह आंखों में जो तकलीफ है, सरकार ने फरमाया हमारे लुआब में धन किस काम के लिए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआब में धन लाकर आंखों में लगाया, वो फरमाते मेरी आंखों की सारी तकलीफ दूर हो गई।
मेरी आंखों की सारी तकलीफ दूर होगी, और मैं सीधा वहां पहुंचा और उस मकाम के अंदर, जंग के अंदर उनका जो सबसे बड़ा मुकाबला था मरहब के नाम से, वो अपने आप को शेर समझता था, बाहर निकलता था, वो कहता था मेरे साथ लड़ने के लिए कोई आम आदमी ना हो, हजारों की ताकत रखने वाला, यानी उसके मुकाबले में अगर हजारों बंदे आ जाए वो एक काफी होता था, इतना ताकतवर था। और इधर नबी अलैहिस्सलाम ने झंडा जो अली मुर्तजा को अता फरमाया, हजरत अली मुर्तजा ने जाकर आने वाहिद से एक ही वार से ऐसा हमला किया, उसके सर पर जो तलवार लगी वो उसके जिस्म को चीरते हुए ऐसी नीचे चलेगी, उसके घोड़े के भी दो टुकड़े हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली के मुर्तजा शेर खुदा को कामयाब होना फरमा दिया। ये हजरत अली के मुर्तजा शेर खुदा को नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, और नबी अलैहिस्सलाम को आपके साथ मोहब्बत थी, इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाब, मैं इल्म का शहर हूँ, अलीयुल मुर्तजा उसका दरवाज़ा है, अलीयुल मुर्तजा उसका दरवाज़ा है। और आपके थोड़े इल्मी कमालात की तरफ भी मैं आपको बयान कर दूँ, इल्मी कमालात हजरत अलीयुल मुर्तजा का, क्योंकि बराह राश चश्मे नबुव्वत से फैज़ान हासिल करने वाले थे, और जिस बंदे का उस्ताद जिस कदर काबिल होता है, उसकी काबिलियत, उसकी सलाहियत, उसकी इस्तेदाद वो अपने तरामजा की तरफ मुंतकिल होती है बेतरीक फैज। और यहाँ हज़रत अली मुर्तजा किसी आम आदमी से पढ़ने वाले नहीं थे, किसी आम यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि ये बराह रास्त चश्मे नबुव्वत से फैज़ान हासिल करने वाले थे, बराह रास्त नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस से तालीम हासिल करने वाले थे। फिर तालीम की क्या कमी हो सकती थी? और फिर सर ये भी फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाब, मैं इल्म का बहुत बड़ा शहर हूँ और अलीयुल मुर्तजा उसका दरवाज़ा है, दुनिया के अंदर जिसको जो भी मसला पूछना हो वह हज़रत अलीयुल मुर्तजा के पास आ जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद भी फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी फरमाते हैं कि जब हमें कोई मसला दरपेश होता उस दौर के अंदर, अगर कोई मसला लायन हल हो जाता, हल होने वाला नहीं होता, तो हम हज़रत अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा की बारगाह के अंदर पहुँच जाते, हर मसले का हल मौजूद हो जाता। एक मसले के बारे में आता है कि एक खातून थी, दो आदमी ने जाकर उसके पास अमानत रखवाई, एक इल्मी मसला है तवज्जो फरमाना, दो आदमी ने काफ़ी मकदार में पैसे बतौर अमानत रखवाए, काफ़ी मकदार में, शर्त ये लगाई कि तू ऐ खातून अमीन है और हमने तेरे बारे में सुना है, तो किसी के काम के अंदर खयानत नहीं कर, ये पैसे रकम भारी मकदार में हमारे रख लो, लेकिन शर्त यह है हम में से किसी एक को अकेले अकेले ना देना, जब हम दोनों साथ हैं तो फिर देना, ऐसा ना हो कि दूसरा आके ले जाए या मैं अकेले हूँ मैं आकर ले जाऊँ, तो अकेले किसी को नहीं देना। और बोलते हैं ठीक है रख लिया। कुछ दिनों के बाद इस बंदे के दिल में कुछ ईमान की कमज़ोरी हुई, ख्याल आया, शैतानी वसवसा पैदा हुआ, उस खातून के पास पहुँच गया, उस खातून को कहने लगे जो वो माल हमने जमा कराया था वो माल हमारा वापस कर दो। उसने वो माल तो मैं नहीं दे सकती, इसलिए कि तुम्हारी शर्त थी कि हम जब दोनों आएंगे तो फिर वो माल देना, अब तुम अकेले आए हो अकेले। उसने कहा हमारी शर्त तो यही थी, लेकिन जो मेरा दूसरा दोस्त है वो फौत हो गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो जिंदा होता तो वो आ जाता, लेकिन ये तो हमने नहीं कहा था अगर मर जाए तो फिर हमें माल भी नहीं देना, लिहाजा मेरा माल वापस कर, वो तो फौत हो गया। अब झूठी मूठी तस्दीक करवा के ये कह दिया कि वो फौत हो गया। उस खातून ने वो माल उठा के सो दे दिया, सारे का सारा बतौर अमानत, दोनों की चाल थी कि औरत को लूटना चाहते थे, फ्रेम में देना चाहते थे, उसकी अमानत से और उसकी शराफत से वो हसद करने लग गए और उसको ख़राब करने लग गए। कुछ दिनों के बाद दूसरा बंदा पहुंच गया, वो हमारा माल वापस करो, उसका तुम जिंदा हो, मुझे तो कहा गया कि आप वफात पा गए हो, वो माल तो तुम्हारा दोस्त लेके चला गया। उसने कहा क्यों, आपको मैंने कहा नहीं था जब तक हम दोनों आए तो माल नहीं लेना? उसने वो तो कहकर गया था कि तू फौत हो गया है तो तुम्हारी फौत की तस्दीक भी लेकर आया, तो फिर मैंने कोई गवाही दी शहादत दी तो मैंने इसलिए माल उठाकर। उसने कहा नहीं, तकाजा करने लगा हमारा माल हमें चाहिए वापस। जब शेर शराबा का औरत बड़ी नेक थी पारसा थी बड़ी परेशान हुई, किसने मसला पेश किया, खातून तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा के पास जाओ, वहाँ मसले का हल हो जाएगा, वहाँ हर मसले का हल होता है। जब हजरत अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा के पास आए, सारी सूरत हाल सुनाई, तो हजरत अली मुर्तजा सारी सूरत को सुनने के बाद आप फरमाते कि मर्द तेरा हक नहीं बनता, तू माल का तकाजा करे। उसने हुजूर कैसे नहीं बनता,
हमने मार रखवाया है। आपने फरमाया तुमने ये कहा था ना जब तक हम दोनों ना आए तो ये मार नहीं मिलेगा। हाँ ये तो हमने कहा था। फरमाया फिर दूसरे बंदे को पकड़ कर ले आना, जब दोनों आओगे तो तुम्हें मार मिलेगा। अकेले को मार कैसे मिल सकता है? जो लेके चला गया, अब उसने तो झूठ बोला ना, अब वो मार लेके चला गया। आपने फरमाया उसको पकड़ के ले आना, उसको तुमने ये कहा था जब तक दोनों ना आए। अभी तो तू एक आया हुआ, अकेले को मार मैसे नहीं मिल सकता, लिहाजा उसको पकड़ के लिया। तुमने ये लिखवाया है, बात की है जब तक हम दोनों ना आए। चलो वो तो झूठ बोल के चला गया, लेकिन तू अकेले मार कैसे ले सकता है? तो इस सूरत में वो बेचारा, वो तो उनकी एक चाल थी, दबोचला था, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। लाजवाब होकर वो चला गया। वो जान गया कि हजरत अली मुर्तजा के पास हर मसले का हल है। एक खातून के बारे में आता है, दो खातून जंगल में जा रही, दोनों खातून हुस्न इत्तेफाक है, उस दौर की बात है। हुस्न इत्तेफाक ऐसा है कि वो वहाँ पर पहुँची, रास्ते में दोनों हमल से हैं और रास्ते में दोनों का वहाँ वज़ह हमल हुआ, वज़ह हमल के अंदर दोनों वहाँ पर हुए। एक यहाँ बेटा हुआ और एक यहाँ बेटी हुई। एक अल्लाह ताला ने बेटा दिया और एक को बेटी। जिसको अल्लाह को इज्जत ने बेटा दिया, अभी वो नीम बेहोशी के आलम में थी, और जिसको बेटी थी ना अल्लाह, वो होश में थी। लेकिन जैसे होश में उसने देखा कि उसकी गोद में बेटा है, मेरी गोद में बेटी है, अभी वो तो वैसे भी होश है, ऐसा ना कर लूँ कि बेटा अपनी गोद में ले लूँ, बेटी उसकी गोद में रख लूँ, तो उसके उसकी बेहोशी से फ़ायदा उठाते हुए बेटी उसकी गोद में रख ली, बेटा अपने गोद में ले लिया। वो औरत जब होश में आई, बच्ची को दूध पिलाया, खुद कहने लगी कि मेरी ममता तड़प रही है, मेरी ममता ये कहती है कि ये बेटी मेरी नहीं है, वो बेटा मेरा है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, तुझे बेटी दी, अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाता। उसने कहा तकसीम पर तो राजी हूँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि मेरी ममता यूँ तड़प रही है कि ये बेटा मेरा है। अलगर्ज यह है, ये मसला चलते 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 हज़रत अली मुर्तज़ा शेरफ खुदा रज़ी अल्लाह तआला के पास, हुजूर ये बेटा मेरा है, मैं दावेदार हूँ। दूसरी औरत कहती है मैं दावेदार हूँ, ये बेटा मेरा है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेरफ खुदा ने इल्मी जवाब अता फरमाया, दो तरह के जवाब दिए आपने। एक फरमाइश में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हर मसले का हल रख दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ये एक ऐसी मुकद्दस किताब है, खुद फरमाया कि लव दा अली काल बाइर लब जत्तू फिल कुरान मजीद। अरे ये वो मुकद्दस किताब है, अगर मेरे ऊँट की नकील कहीं अटक जाती है दरख्त के साथ, मैं कुरान खोल के देख लेता हूँ कि वो कहाँ पर अटकी हुई है। ये वो मुकद्दस किताब है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हबीब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से वो इल्म अता फरमाया है, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर को लिखने बैठ दूँ उसके लिए 70 ऊँट दरकार हैं जिसको बदर को उठाकर चल सके। तो वो अली मुर्तज़ा फरमाते हैं ये कोई बड़ा मसला नहीं है, हर मसले का इल्म कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है। अब खातून जो है वो हैरान हो गई, इसका मसले का क्या है? जंगल में पैदाइश हुई है, मैंने बच्चे को तब्दील कर दिया, पता कोई नहीं, गवाह कोई नहीं, उसका जिक्र कुरान मजीद में कैसे आता है? आपने फरमाया ऐसा करो कि तुम दोनों पर्दे के आलम में जाकर अपने दूध को अपने प्याले में निकाल के दो। बच्चे का जो दूध पिलाने के लिए ना तुम्हारे जिस्म से, उस बतन से थोड़ा थोड़ा एक एक प्याला पूरा दूध निकाल के मुझे दो। दोनों ने दूध निकाल के दे दिया, तो आपने दूध को देखने के बाद फैसला फरमाया ये औरत झूठी है, ये बेटा उसी का है जो पहले दावेदार है। ये फैसला करने के बाद ये बात अकल में नहीं आई कि हुजूर आपने दूध को देकर कैसे फरमाया, खाली दूध को देकर फैसला फरमा दिया। जो औरत सच्ची थी वो तो जान गई कि बात हकीकत है, जो झूठी थी, जो झूठा दावेदार होता है वो फितरती तौर पर शोर शराबा ज़्यादा ही करता है ताकि कोई किसी तरीके से कोई बात बन जाए। अब वो था तो झूठा, अब उसने शोर शराबा किया, औरत झूठी थी, शोर शराबा करने लगी। आपने फरमाया इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, पर वो कहाँ पर है? पर रबान पर यानी अल्लाह ने तकसीम कारी के अंदर ये फरमाया कि जब बंदा फौत हो जाए उसकी औलाद हो, यूँ समय एक बेटा भी है तो एक बेटी भी है, उस जायदाद के तीन हिस्से किए जाएँ, उसमें से दो हिस्से जाएँ उसके बेटे को दिए जाएंगे और एक हिस्सा उसकी बेटी को दिया जाएगा।
अब यानी बेटी के एक हिस्सा है उसको बेटे को डबल मिल रहा है। तो फरमाया जिस तरह अल्लाह को निजात दे विरासत के माल के अंदर ये रखा है कि बेटे को डबल मिलेगा, माँ के दूध की तासीर में भी रब्बुल जलाल ने यही हिस्सा रखा है। जो बेटे का दूध होगा वो वजनी होगा, जो बेटी का दूध होगा वो कमजोर होगा, यानी वजन के बाद से अगर वो प्याला एक है बराबर है, लेकिन उस दूध का वजन करोगे तो जो बेटे वाला दूध है वो वजनी होगा और जो बेटी वाली माँ का दूध होगा वो हल्का होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिजायत के अंदर भी तकसीम कर दी है और उसकी तासीर के अंदर भी रब्बुल जलाल ने तकसीम फरमा दी, वो औरत मान गए। और एक रिवायत में आता है आपने दूसरी तरह हिकमत अमली से काम लिया, आपने फरमाया ठीक है, वहां पर कोई गवाह मौजूद था? कहा नहीं कोई गवाह नहीं, कोई देखने वाला? फरमाया कोई नहीं है। फरमाया कोई ऐसा करो फिर तलवार लेकर आओ मेरे पास, बच्चे को भी ले आओ मेरे पास। औरत ने पूछा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? फरमाया ठीक है मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूँ, एक उसको दे देता हूँ। जो उसकी असल माँ थी ना, हकीकी माँ, जो असल माँ थी, उसने कहा हुजूर मैं राजी हूँ, इसके दो टुकड़े ना करें, भले बच्चा इसको दे दे, इसके पास रहेगा, जिंदा तो रहेगा, मैं देखती तो रहूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो झूठी थी उसने कहा हुजूर ठीक है बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाएँ, आधा मुझे दे दो आधा उसको दे दो, क्योंकि वो झूठी थी। आप फरमाए मैं सिर्फ यही पूछना चाहता था, बेटा उसी का है जो ये कह रही है कि इसके दो टुकड़े ना किए जाएँ। माँ कभी भी अपने बाप औलाद की हलाकत को बर्दाश्त नहीं करती, और जो कह रही है कि दो टुकड़े कर दिए जाएं ये झूठी है, आपने बेटा उसके हवाले फरमा दिया। और ये आपका इल्मी मकाम था, इल्मी बसीरत थी। हज़रत अली मुर्तज़ा शेरुल्लाह आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को इल्म अता फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अमीन के मुतालिक आता है, एक दिन जिब्राईल अमीन को भी ख्याल आया कि मैं जाऊँ और मैं जाकर ये ख्याल करूँ, मैं हज़रत अली मुर्तज़ा के इल्म मुबारक को देखूँ। हज़रत जिब्राईल अमीन लिबास बशरी में आकर सामने बैठ गए, जैसे कोई एक इंसान है लिबास में बैठ के वजह करता इंसान, और पहुंच लगे अली मुर्तज़ा मैंने ये सुना कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा इल्म अता फरमाया है, मुझे ये बताओ कि इस वक्त जिब्राईल अमीन कहाँ है और क्या कर रहे हैं? जिब्राईल अमीन बैठे सामने हैं लिबास के बशर में, मुझे ये बताओ जिब्राईल अमीन कहाँ हैं? आपने फरमाया अच्छा मैं देखता हूँ। आपने एक निगाह मशरिक़ की तरफ, एक मगरब की तरफ, एक शुमाल की तरफ, एक जुनूब की तरफ, एक आसमान की तरफ, एक ज़मीन की तरफ मुकम्मल निगाह दौड़ाने के बाद आपने फरमाया मैंने मशरिक़ मगरब में देखा, मैंने शुमाल जुनूब में देखा, मैंने रूह ज़मीन पर देखा, मैंने सातों आसमानों की तरफ देखा, मुझे जिब्राईल कहीं भी नज़र नहीं आया। या तो फिर जिब्राईल दूर हो सकता है या फिर जिब्राईल मैं हो सकता हूँ, हम दोनों में से कोई जिब्राईल कि रूह ज़मीन पर कोई जिब्राईल और नहीं है, यानी कि आप पहचान के बता दिए कि तू ही जिब्राईल अमीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत अली मुर्तज़ा को बहुत बड़ा मर्तबा और बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। ये हमारे अहले सुन्नत व जमात के मुकद्दर और हिस्से के अंदर आया कि हम सहाबा किराम से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इनसे मोहब्बत करने का हमसे वादा फरमाया।